अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं द्वारा सेठानी घाट स्थित अग्रवाल धर्मशाला में राखी मेला लगाकर मेले में जितनी भी धनराशि एकत्रित होगी उन्हें सरकारी स्कूल के जरूरतमंद बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं उन्हें किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। जिन बच्चों के पास स्कूल बैग तथा ड्रेस नहीं है उनको वह सामग्री दिलाई जाएगी एवं बच्चों की जरूरतमंद समस्त वस्तु को खरीदकर उन्हें दिया जाएगा। अग्रवाल महिला सभा द्वारा इस मेले में लगभग 20 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की चीज़ रखी गई है। गिफ्ट, राखी, ज्वेलरी, साड़ी, डबल बेड, सिंगल बेड, चादर, कुकीज़, केक एवं बहुत सी प्रकार की अलग अलग वस्तुएं रखी गई है। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला महासभा की जिला महामंत्री सुनीता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारा मुख्य उद्देश्य मेले लगाने का यह है कि मेले में जो भी धनराशि एकत्रित होगी उसे सरकारी स्कूल के ज़रूरतमंद बच्चों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मेले के लिए पहले ही बैठक की गई थी और यह निर्णय लिया गया था। मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है, मैं जिला महामंत्री हूँ अखिल भारतीय महासभा की। मेले का उद्देश्य है जो पैसा इस मेले से हमें प्राप्त होगा सरकारी नर्मदापुरम के सरकारी स्कूल के बच्चों को, जिनको जिस चीज की आवश्यकता है वहां दिया जाएगा। और मेले में लगभग 20 से 25 स्टॉल लगे हैं, सभी ने राखी, साड़ी, बेडशीट, हैंडमेड सामान और भी अन्य सामग्रियों, खाने पीने का और अन्य सामग्रियों का मेला लगाया है। बच्चों को किस तरह आप मदद करेंगे? जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, जिन बच्चों के पास बैग नहीं है, किताबें नहीं है, उनको कॉपियां उपलब्ध कराएंगे, किताबें उपलब्ध कराएंगे। यदि कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है और वो फीस नहीं दे पाता है तो उसकी हम फीस भी देने की कोशिश करेंगे। नर्मदापुरम जिले के कितने स्कूल आपने चिन्हित किए हैं? हम लोग तो एक ही स्कूल में दे पाएंगे, क्योंकि आज यहाँ से जो राशि प्राप्त होगी वो एक ही स्कूल के लिए होगी।